राजस्थान के गांव भैंसली मामले का खुलासा हो चुका है और मुख्य आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस मामले में समाधान करने पहुंचे तांत्रिकों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग उठी है। इस मामले में महंत सुकाईनाथ योगी ने हमीरवास पुलिस थाने में शिकायत दी है। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि राजस्थान के भैंसली के घर में अग्निकांड षड्यंत्र की जो घटना हुई थी उसमें कई पाखंडी बाबाओं भगतों द्वारा रचित व कारित षड्यंत्र से जान और माल का काफी नुकसान हुआ था और मन प्रार्थी गणों ने न्यूज चैनलों में व टीवी के माध्यम से समाज में अंधविश्वास फैलाने का कार्य किया और लोगों की जन भावना के साथ खिलवाड़ किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और तांत्रिक विधा के नाम पर आमजन में भय का माहौल बनाया और समाज में डर का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहते हैं, जो कि किया जाना उचित है। बता दें कि भैंसली में रहस्यमयी मौत और आग लग रही थी, जिसका खुलासा हो चुका है। इसी को लेकर कई तांत्रिक भी इसका समाधान करने का दावा लेकर गांव में पहुंचे थे। तीन तांत्रिकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक तांत्रिक तो मृतक महिला की आत्मा से बात करवाने का दावा कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। अब इन्हीं सबको लेकर महंत सुकाईनाथ योगी ने हमीरवास थाने में शिकायत देकर ऐसे कथित तांत्रिकों और पाखंडियों पर कार्यवाही की मांग की है। बहरहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है और मामले में क्या आगामी कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11वीं और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर